विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, 56 में लाल किले पे फहराया था, मानो पूरे भारत में एक नया सा जोश सा जग आया था। ये था उन महापुरुषों के बलिदान का शायद फल, जिन्होंने शहादते हिंद को अपना आसरा बनाया था। ये सोने की चिड़िया हो गई थी आजाद, अब खुले आसमान में अंबेडकर साहब की मेहनत ने संविधान का रंग दिखाया था। जब आवाज गूंजी लाल किले से चाचा नेहरू की, पूरे हिंदुस्तान में कण कण में लोगों के एक सुकून का परचम लहराया था। हुआ था लागू सबसे बड़ा संविधान विश्व का, इस बात ने हर भारतवासी को अपने होने का एहसास जगाया था। पर ये क्या हुआ, हमारे भारतवर्ष को ये कैसा धुआं सा छाने लगा है। एक अजीब सा डर, एक अजीब सा लालच, एक अजीब सा विचार हर किसी के चेहरे पर नजर आने लगा है। बापू का सपना था कि राम राज्य, लेकिन यहाँ हर कोई रावण नजर आने लगा है। जो निशानी है पूरे दुनिया में प्यार की, उस ताजमहल पे खतरा मंडराने लगा है। जो दिल है इस भारत का, उस दिल्ली में बेटियों पे खतरा मंडराने लगा है। जहां वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता है, वहीं पे लोगों को धर्म का हथियार दिखाया जाने लगा है। हाँ, हो तो गए हम आजाद बस कहने को, हाँ लागू है संविधान 65 सालों से, हाँ हिंदुस्तानी होने का गर्व भी हमें, लेकिन इस तरह इस देश को चलाया जा रहा है। 65 साल गुजार दिए यूं ही, पर ये संविधान नहीं निभा। उनके बलिदान, उनके शहादत, उनके प्रयास का सबसे बस फायदा उठाया गया। लेकिन फिर भी हम आगे हैं, जिस तरह शून्य अनमोल देकर भारत का मान बढ़ाया गया है, सफलता से जहां मंगलयान उड़ाया गया है, जहां भारत ने शतरंज की खोज की, वहीं 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में लाया गया है, सफलता का परचम हर कहीं लहराया गया है, हिंदुस्तानी जहां भी शान से हिंदुस्तानी कहलाया गया है। पर कोई बात नहीं मेरे यारों, अब बारी हमारी है कुछ कर दिखाने की, कुछ नया बनाने की। गर्व हो हर भारतीय को भारतीय होने पर, और गर्व से कह सके सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा।